क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी वस्तु की अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, ग्राहक को 12% छूट देकर कितने प्रतिशत लाभ होता है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्या है, 25% ज्यादा है, और किसी ग्राहक को 12% का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे, इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 25 चौका 25 पंचे 4 से 22 22 पंचे 110। अब देखिए यहाँ पे जिसका वैल्यू था 100 रुपया वो हो गया 110, तो प्रॉफिट होगा 10% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक कंपनी बाजार कीमत लागत से 35% अधिक निश्चित करता है, वह कितने परसेंट की छूट दे सकती है जिससे 8% का लाभ हो सके। किसी वस्तु पर वो क्या करता है, 35% अधिक अंकित करता है, उसका प्राइस है 100 रुपया, इस पर वो 35% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया, इस पर वो कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दे, कितना परसेंट का उसको डिस्काउंट दे दे जिससे उसका प्रॉफिट का जो परसेंट है वो हो जाए कितना, वो हो जाए 8% का लाभ, यानी वो 108 रुपये के बराबर हो जाए। यानी कि 100 रुपये के सामान को 135 रुपया में उसे लिख किया जाए, उसको कितना पर डिस्काउंट दे के वो 108 रुपया हो जाए। तो इसको बिल्कुल आसानी से ही बना सकते हैं, और वैसे नॉर्मली इसको कटा के ही बना सकते हैं। देखिए 5 से 20 पार्ट 5 से 5 दुना 10 5 सतह 35, फिर ये कटेगा 3 से 27 से भी कट जाएगा, 27 54 चार टाइम में कट जाएगी, 20 चौक 80, तो 100 माइनस x बराबर 80, तो माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 100, तो x माइनस x बराबर माइनस 20, x कैंसिल तो x बराबर 20, तो यानी उसको 20% का डिस्काउंट देगा, तो वो जो वस्तु है वो 108 रुपये में बिक सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित हो तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे जाए, 30% और 10%, ये क्वेश्चन नंबर 25। 30% अंकित किया गया एक्स्ट्रा और इस पर वो 10% का छूट दिया, तो बताइए लॉस एंड प्रॉफिट, बताइए प्रॉफिट बताइए या फिर लॉस बताइए। 13 नमा 117, यानी कि 100 की वस्तु को 117 में बेच रहे हैं, तो 17% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 12% डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यापारी को 10% का मुनाफा होता है, यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए 12% का डिस्काउंट दिया, मान लें तो उसका कीमत है 100 रुपया, 12% का डिस्काउंट दिया तो उसको बेचा कितना में, उसको बेचा 88 रुपया में, 88 रुपया में बेचने पर फिर भी उसको 10% का लाभ होता है, यानी मान लें तो उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो इसका 110% जो है वो तो 88 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपया, इस पर वो 12% का डिस्काउंट दिया तो उसको 88 में बेच दिया, 88 में बेचने पर क्या होता है, उसको 10% का फायदा हो जाता है, यानी 88 जो है किसी संख्या का 110% है, चूंकि 10% ज़्यादा है एक्स्ट्रा है, फायदा है, तो यहाँ पर हम एक्स मान लें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का 110% बराबर 88, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए 11 8 88, तो x बराबर 80, यानी कि उस वस्तु का जो कीमत है वो है 80 रुपया। अब आप बोलिए कि 80 रुपये की वस्तु को 88 रुपये में नहीं बेच करके 100 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो लाभ गुने 100, 20 रुपया लाभ होगा, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो आपका 80 रुपया है ना, इसलिए बट्टा में क्रय मूल्य, 20 चौका 80 4 से 25 टाइम में, तो बराबर 25% का प्रॉफिट, ठीक है, बिल्कुल सिंपली बन गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए तैयार है, विक्रय मूल्य 480 अंकित है, डीलर इस पर 10% डिस्काउंट देता है, फिर भी 8% अधिक लाभ अर्जित करता है, यदि कोई डिस्काउंट ना देता तो कितना लाभ अर्जित करता, 480 और 10% डिस्काउंट और 8%, 480 रुपया है, इस पर वो 10% का डिस्काउंट दिया, यानी इतना का 90% में बेचा, ठीक है, बेचा, वो कितना बेचा ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 9 8 72 9 4 36 36 और 7 43, 432 का सामान है वो। अब देखिए 432 रुपया जो है, 432 रुपया में वो बेचता है, 432 में बेचने पर फिर भी उसको कितना परसेंट का फायदा होता है, उसको फायदा होता है 8% लाभ अर्जित करता है, यानी कि 432 जो है वो किसी संख्या का, किसी संख्या का 108% है। तो हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य उसका निकाल लेते हैं, तो देखते कितना आता है इसका, 3 2 5 4 9, ये कटेगा 9 से कटे दो, और 9 4 36 36 7 72 9 8 72, 9 से कटेगा तो 9 1 9 और 9 2 18 12 48 12 1 12 12 4 48, अब ये नहीं कटेगा तो x बराबर 400। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये 400 जो निकला वो क्रय मूल्य निकल गया, 400 क्या निकला, क्रय मूल्य, और इस 400 की वस्तु को 432 रुपये में नहीं बेच करके 480 में बेचा जाए तो क्या होगा, तो देखिए तो प्रॉफिट होगा 80 रुपये का, तो लाभ गुने 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य यानी कि 400 रुपया, 4 से 20 होगा 80, यानी कि 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा, अगर उस वस्तु को 400 में नहीं बेच कर 432 में नहीं बेच करके 480 में बेचे तो उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। कैसे निकाले हमने क्या किया, बस क्वेश्चन को पढ़िए और उसी को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक दुकानदार 10% का छूट देकर भी 5% लाभ अर्जित करता है तो उसने अपने माल का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य किया था, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था, 10% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ प्राप्त होता है किसी वस्तु पर, 10% का छूट दिया फिर भी 5% का लाभ होता है, तो देखिए तो 100 की वस्तु है, 10% का छूट दिया तो उसको बेचा होगा 90 में, और 90 जो है वो किसी संख्या का 105% है, 105%, यहाँ से हमको x का वैल्यू यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए तो कैसे कटेगा, तो 21 5 और 20 5 3 7 30, तो x बराबर 3 2 600 बट्टा 7, अब देखिए 600 बट्टा 7, तो अब क्या बोल रहा है कि इतना से कितना परसेंट एक्स्ट्रा जो है अंकित मूल्य, तो इसका 100 रुपया है, अंकित मूल्य इसका क्या है 100 रुपया, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिखा गया था 100 रुपया को, तो हम लोग यहां से निकालते हैं कितना परसेंट एक्स्ट्रा 100 है, तो 600 बट्टा 7 का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, या फिर इसको कहिए कि उसको x परसेंट बढ़ाया गया था तो 100 प्लस एक्स हमको बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा 100 प्लस एक्स बराबर 100, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं क्या होता है, 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को कटा सकते हैं, फिर देखिए 3 2 से कटेगा 2 3 6 2 से ये 50, तो देखिए इधर क्या होगा 300 प्लस 3x, 300 प्लस 3x बराबर 7 5 35, यहाँ 50 हुआ 7 5 35, यानी कि 350, तो देखिए 3x बराबर 50, तो x बराबर 50 बट्टा 3, 16 पूर्णांक 2 बट्टा 3, क्वेश्चन नंबर 28 का होना चाहिए, चलिए बिल्कुल सही आंसर है,
क्वेश्चन नंबर 28 का 16 × 2/3। देखिए एक बार फिर से कैसे इसको हमने बनाया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 10% डिस्काउंट पे बेचा जाए। तो मान लेते हैं उस वस्तु को 100 रुपये अंकित मूल्य है, 10% डिस्काउंट बेचा तो वो 90 में बेच दिया। 90 में बेचने पर क्या होता है, उसको 5% का प्रॉफिट होता है। तो एक्स का 105% लिखे तो हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, जिसका वैल्यू कितना आया, 600/7 आया। तो आपको क्या पता चला, क्रय मूल्य पता चला, विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पता चल रहा है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का कितना परसेंट एक्स्ट्रा लिखा था विक्रय, ये अंकित मूल्य के रूप में। तो क्रय मूल्य का एक्स परसेंट एक्स्ट्रा लिखा था अंकित मूल्य के रूप में। तो एक्स मतलब एक्स्ट्रा यानी कि 100+ x किए, तो 600/7 का 100+ x का परसेंट लिखे, इसमें से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले तो कितना निकल गया, 50/3 यानी कि 16.2/3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मोहन को टीवी सेट पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर बेचने, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 17% का लाभ हो जाए। तो ऐसा हम करते हैं, तो मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य होना चाहिए, इसका क्रय मूल्य होना चाहिए 100 रुपया। इसका क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो इसको 17% का लाभ चाहिए होगा, तो इसको कितना बेचना पड़ेगा, 117 रुपया में। अब ये देखिए 117 रुपया जो मिलेगा, ये 117 रुपया जो मिलेगा वो इसको अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद मिलेगा, यानी कि 117 जो है वो कितना का 90% है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, 9 से 13 टाइम, तो x बराबर 130 रुपया। तो अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 100 रुपया इसका क्रय मूल्य है और 130 रुपया है इसका अंकित मूल्य। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये आपका कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, इसको कितना परसेंट बढ़ा के अंकित करना चाहिए, यानी कि 100 को कितना परसेंट बढ़ा दिए कि वो हो गया 130 रुपया। तो जाहिर सी बात है 30% बढ़ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 30% एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक 5000 बिक्री मूल्य अंकित सोफा सेट को 4% की छूट पर बेचने पर व्यापारी को 20% की लाभ प्राप्त होता है, तो सोफा सेट का लागत मूल्य बताइए। 5000 की अंकित मूल्य पर 4% का छूट, फिर भी 20% का फायदा, 5000 पर 4% का छूट, 4% का छूट, फिर भी इसको 20% का फायदा, यानी x का 120%। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 रुपया। आइए देखते हैं क्या कहता है, 5000 रुपये मूल्य का एक सोफा सेट पर 4% का डिस्काउंट दिया, 4% का छूट दिया, फिर भी उसको 20% का फायदा हो गया, यानी x का 120% जो है वो विक्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य में से 4% कम किए, डाउन किए, जो भी होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, 24 × 96, 24 × 5, फिर ये कटेगा 5 से, 100 टाइम 1000 टाइम, तो एक्स बराबर क्या हुआ, 4000 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। 900 में मिला था कोई सामान को, 900 में खरीदा था, इसको 10% का 10% इसको प्रॉफिट चाहिए, ये हुआ इसका विक्रय मूल्य, ये हुआ इसका विक्रय मूल्य। अब क्या कहता है, ये जो उसका विक्रय मूल्य है और इस पर अंकित मूल्य पर वो 10% का डिस्काउंट भी देना चाहता है, तो मान लेते उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, इस पर वो 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर लेते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये से
यानी कि x बराबर 1100, तो उस पे उसको कितना रुपया अंकित करना चाहिए, 1100 रुपया उसको अंकित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यापारी अपने सामान पर 300 अंकित करता है और 25% बट्टा देता है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या होता है, एक व्यापारी जो है अपने सामान पर 300 रुपया अंकित करता है, 25% बट्टा देता है, फिर भी उसको 12.5% का लाभ होता है। 300 रुपया अंकित करता है और इस पे देता है 25% बट्टा 12.5% लाभ, इस पे 25% का बट्टा दिया और फिर भी उसको 12.5% का लाभ मिल गया, फिर भी उसको 12.5% का लाभ मिल गया। देखिए तो इसका क्या पूछ रहा है, तो उसका बताइए कि तो वस्तु की कीमत क्या है। तो मान लेते हैं वस्तु की कीमत जो है वह है x रुपया, तो एक वस्तु को जिसको कि 300 रुपये में बेचा जाता है उसको 300 में बेचा जाता है, 300 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 25% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसको 12.5% का प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपया है। यहाँ पे देखिए पॉइंट को हटा करके बट्टा में 0 डाल सकते हैं, अब आप इसको कटा दीजिए, इससे ये कट गया, अब ये और कटेगा आपस में, 5 से कटाना चाहिए तो ये कट गया, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 225, 225। अब ये कटेगा कितना से, 25 से आप कटा सकते हैं, 25 × 3 = 75, 25 × 9 = 3, 3 × 3 = 3, फिर ये 3 × 100 = 100। अब ये x बराबर क्या हुआ, 100 × 2 यानी कि 200 रुपया, तो उसका कीमत क्या होगा, 200 रुपया लागत मूल्य। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है, 500 रुपये 50% की एक छूट तथा उसी राशि पर 36% और 4% की दो क्रमिक छूटों के बीच का कितना अंतर होगा। आपको यहाँ पे दो तरह का छूट दे रहा है, एक पे 500 रुपया है, इस पे उसको 500 पर 50% का छूट दे रहा है, यानी कि 500 का 50% आप निकालिए, इसका वैल्यू जो होगा 525 यानी कि 250 रुपया होगा। एक दूसरा जो है वो क्या कहता है, 500 रुपया पर ही पहले दिया आपको 36% का छूट, यानी कि 36% डिस्काउंट मतलब कि 64%, और इसके बाद फिर से इस पर दिया कितना, 4% का छूट दिया, 4% का छूट यानी कि 96%, तो दोनों के बीच का आपको अंतर निकालने का है। देखिए निकालिए, 20 × 5 = 100, अब ये कटेगा 4 × 4 = 20, 16 × 4 = 64, 16 × 6 = 96, 16 × 9 = 144 और 9 × 9 = 153, बट्टा 5, 5 × 3 = 15, 0, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 307.2 आया, यहाँ पे कितना 250 है, तो अब दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 307.2 इसमें से हम लोग 250 को माइनस कर लेंगे, 250 हो गया इसमें से माइनस, तो क्या बच गया, तो 50 और 7 = 57, 57.2, यही इसका एग्जैक्ट 57.20 रुपया क्या होगा इसका, दोनों के बीच का अंतर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी एक ही क्वेश्चन को आपको दो भाग में डिवाइड करना था, 500 का 50% निकालिए, फिर इसको इतना परसेंट निकालिए, दोनों के बीच में अंतर यानी कि घटाव कर दीजिए रिजल्ट में से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहता है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया, एक पेन का जो अंकित मूल्य है वो 12 रुपया, उस पर 15% डिस्काउंट दी गया, 15% छूट दी गई, यानी कि 12 को 85% में बेचा गया, दूसरी छूट देने पर पेन का मूल्य घटकर 8.16 हो जाता है, दूसरा छूट दिया उसका वैल्यू कितना है हमको नहीं पता, लेकिन मान लेते उसका एक्स परसेंट का उसमें डिस्काउंट दिया, इतना के बाद उसका जो मूल्य होता है वो होता है 8.16, 8.16। यहाँ पे हम लोग पॉइंट को हटा करके बट्टा में 100 डाल सकते हैं। चलिए
आगे देखते हैं दूसरी छूट की दर क्या है, जो कि x हमने मान लिया है, उसी x का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं कैसे निकलता है। इस 100 से इस 100 को कटा सकते हैं हम लोग, इसको भी आपस में कटा सकते हैं। 17 पचे 85, 20 पंचे 100, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, चलिए 5 से ओके। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, तो हम लोग क्या कर, इसे भी 6 1 7 8 15 ये भी कटेगा, या फिर 17 4 68 कटेगा क्या। 3 से पहले कटा लेते हैं, 3 से 3 2 6 3 7 21 3 2 6, अब ये कटेगा 17 से भी ये कट जाए, 17 1 17 17 1 17 17 6 102, इधर बच के कितना 16, ये सब का सब कट गया। तो अब देखते क्या होता है, इधर 100 माइनस एक्स है, ऊपर में कुछ नहीं, 100 माइनस एक्स बराबर उधर है 16, 5 इधर बट्टा में 2 गुना होगा, 16 5 80, यानी माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 100, माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 20, एक्स बराबर 20%। चलिए आंसर मिल रहा है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 8000 लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11200 रुपया है। 8000 लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11200 रुपया है। x परसेंट की छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, x परसेंट की छूट देने पर 12% का लाभ मिलता है। तो देखिए 11200 रुपया है, इसमें उसने उसको x परसेंट का डिस्काउंट दिया, यानी कि छूट दिया, तब क्या होता है 12% का लाभ मिलता है। तो बराबर इसका अंकित मूल्य, सॉरी लागत मूल्य है 8000, इस पे उसको 12% का प्रॉफिट मिला, यानी कि 112% ये रहा आपका विक्रय मूल्य, ये भी रहा आपका विक्रय मूल्य, दोनों को इक्वल किए। चलिए अब हम लोग इसको आंसर निकालते हैं, 100 से तो 100 कट जाएगी, फिर देखिए अभी 20 से 20 कटेगी। अब देखिए ये कटेगा किससे, 16 से, 16 7 12 16 5 80, अब ये कटेगा क्या, कटेगा फिर से 7 को कटा दीजिए इधर 16 टाइम में, 112 को भी तो डायरेक्ट कटा भी सकते थे, चलिए ठीक है हमने मिस्टेक कर दिया। 100 माइनस एक्स बराबर 16 5 80, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, 35 20, चलिए ऑप्शन मिल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट दे करके 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ प्रति 10% है, यदि उसका लाभ 10% है तो उस खिलौने का अंकित मूल्य बताइए। देखिए लाभ है 10%, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लाभ जो है 10% है और लाभ जो है 56 रुपया है। देखिए 56 रुपया का भी लाभ है, 10% का भी लाभ है, इसका मतलब क्या होता है कि 10% जो 56 के बराबर है, तो हम यहाँ से उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो x का 10% परसेंट के सिंबल हटा करके बट्टा में 100 डाल करके इसको 56 के बराबर किया जा सकता है, तो x बराबर 560। आपको यहाँ पे क्या पता चल गया, उसका लागत मूल्य पता चल गया, यानी कि उसका कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य CP पता चल गया। चलिए 56, यदि उसका लाभ 10 है तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, और उसको क्या करता है 23% का छूट देता है, उसको 23% का छूट दिया फिर भी उसको 56 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए उस वस्तु को, उसका वस्तु का कीमत मान लेते हैं उसको Z रुपया है, Z रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य है, इस पर क्या किया वो, इस पर क्या किया 23% का छूट दिया, 23% का वो छूट दिया, यानी कि 23% छूट दिया तो कितना हुआ 77% छूट दिया, ये हुआ इसका विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, 560 रुपया क्रय मूल्य और प्लस लाभ कितना 56, ये इक्वेशन समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखिए सबसे पहले तो हम वो क्रय मूल्य निकाल, क्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य जब पता चल गया तो हम इसका विक्रय मूल्य भी पता करें, क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ दिए तो विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए अब क्या अंकित मूल्य को 23% माइनस किए तो वो इसके बराबर तो हो ही जाएगी, तो अब देखिए इसमें वैल्यू निकालते इसका
तो क्या होगा 560 प्लस 56 जेड का 77% बराबर 560 प्लस 56 616 बट्टा कुछ नहीं कटेगा 11 से 11 77 11 55 11 66 फिर 7 8 56 तो जेड बराबर 800 तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा 800 रुपया। चलिए ऑप्शन मिल गया तो आंसर भी मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्या कहता है इसमें, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को, एक दुकानदार जो है अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 26% का लाभ होता है। 10% का छूट दिया फिर भी उसको 26% का लाभ होता है। मद की वास्तविक लागत कितनी है जबकि उसके लिए 280 रुपया अंकित किया गया है। 280 रुपया अंकित किया गया है, अंकित मूल्य है कितना 280 रुपया। चलिए इस पर 10% का छूट दिया 90%, ये उसका क्या विक्रय मूल्य, और 26% का लाभ चाहिए यहाँ पे, तो वो x का 126% के तो बराबर ही होगा ना, दोनों तरफ विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, वास्तविक लागत कितनी है यानी कि लागत मूल्य यानी x हमको निकालने का है। तो अब इसको निकाल दीजिए, 18 से कटेगा क्या, 18 95 ये कितना मन में 18 95 18 6 18 7 सात टाइम में, फिर देखिए 100 से 100 कट ही गया, 7 4 28 हो ही गया, 5 4 20 तो x बराबर 20 यानी कि 200 रुपया। 200 रुपये क्या होगा इसका क्रय मूल्य होगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई है और उस पर 8% और 8% के दो क्रमिक छूट दी गई। 900 रुपया अंकित किया गया है, 8% और 8% का दो क्रमिक छूट दिया गया है। यदि इन दो छूटों के स्थान पर 16% की एक छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितनी हानि या लाभ होगी। अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन कर लिया, यहाँ पे क्या क्या जो 8% का दो डिस्काउंट दे दे या फिर 16% का एक डिस्काउंट दे दे, इसमें ग्राहक, इसमें जो विक्रेता यानी कि बेचने वाला है, सामान बेचने वाला जो दुकानदार है, उसको कितना रुपये का लाभ या हानि होगा वही हमको निकालने का है। विक्रेता को कितना रुपया लाभ या हानि होगा निकालना है। तो क्या करते हैं फिर देखते हैं, 90 का 16% डिस्काउंट दिया तो 84%, चलिए 9 4 36 9 8 72 72 3 75 यानी कि यहाँ से उसको 756 रुपया मिलेगा दुकानदार को। यहाँ से देखते हैं कितना मिलता है, इससे तो ये कट जाएगा, फिर ये कटेगा 4 से 23 4 92 25 4 100। अब ये कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं 23 2 9 46 230 माइनस 23 यानी कि 7 207 46 और 7 4 11 211। अब फिर इसको 9 से गुना करना है, फिर 9 से करेगा गुना तो फिर क्या आएगा, 9 6 54 9 1 9 5 14 9 1 9 1 10 9 2 18 1 19 25। इस पर 25 से कटाइए तो क्या आएगा, 25 से कटाने पर क्या आएगा, 25 25 7 25 7 175 15 15 यानी कि 154 25 6 150 अब 44 0 440 फिर 25 से कम 25 761.5 और 25 हो गया। अब देखिए 4 और 5 9 यानी 19 190 यानी कि 25 7 175 फिर 150 25 6 150 कट ही जाएगा। देखिए यानी कि 761.76 आया,
इतना कैलकुलेशन आपसे माइंडली नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं रफ में। तो अब देखिए दोनों के बीच में अंतर होगा। अब देखिए दुकानदार जो है उस वस्तु को 761 में बेचे या फिर इतना बेचे, दुकानदार को नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? तो 756 में से 761 में से इतना को माइनस कर लेते हैं। तो 761 में इतना में से 756 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या बचा? 56 और 5 61, यानी 5.76 रुपये का उसको क्या होगा? नुकसान होगा। 5.76 का नुकसान होगा। चलिए ऑप्शन मिल रहा है तो आंसर भी मिल ही जाएगी। उनचालीस, 1200 रुपये अंकित मूल्य के एक रेडियो का कितना मूल्य, 1200 रुपये मूल्य के एक रेडियो का कितना मूल्य अंकित किया जाए 20% बट्टा देने के बाद भी 25% का लाभ हो। देखिए 1200 रुपये मूल्य का एक रेडियो है, 1200 रुपये मूल्य का, इसको लाभ कितना चाहिए? 25% लाभ चाहिए। तो इतना का 125%, ये क्या हुआ? इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 20% बट्टा देने के बाद, अब x रुपया मान लीजिए उसका अंकित मूल्य है, 20% बट्टा दिया तो 80%, चलिए इससे ये कट गया, ये कट 40 से, 40 दुना 40 देखते हैं क्या कहता है। राम एक घड़ी 200 में खरीदता है, यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट देकर कमाना चाहता है। 200 में देखिए घड़ी खरीदा, 50% का 50% का मुनाफा चाहिए इसको, तो इतना का 150%, लेकिन ये जो मुनाफा कमाएगा वो 50% डिस्काउंट देने के बाद कमाएगा। तो मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 रुपया, 50% का डिस्काउंट चलिए हम लोग दे दिए, तो अब यहाँ पे इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पूछ क्या रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, इसका विक्रय मूल्य कितना हो, यानी इसका आपको क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ध्यान रहे हमने x किसको माना? अंकित मूल्य को माना है। तो अब देखिए इसको कटाइए, 100 से 100 कट गया, 50 दिया 150, 3 × 2 = 600, तो x बराबर 600। अब डायरेक्टली आप आंसर मत लगा दीजिए 600, क्योंकि ये 600 जो निकला है ये उसका अंकित मूल्य निकला है, हमको क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य जो है ये x का 50% है, इतना का 50%, मतलब कि 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। दो उपकरण जिसका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 और 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 15,000 इस पे क्या 8% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 92% पे इसको बेच डाला। अब प्लस एक जिसका है 20,000 रुपये प्राइस है, इस पे उसने कितना डिस्काउंट दिया? इसने उसको डिस्काउंट दिया 12% का, यानी इतना का 88%। दोनों को निकाल के जोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं, 00 से कट जाएगी, 00 से कट जाएगी। अब 15 × 2 = 30, 15 × 9 = 135 और 3 यानी कि 138, एक जीरो और डाल देते हैं इतना, प्लस 00, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 17, जोड़िए 00, 6, 8, 14 और 17 और 13, 30 और 1 = 31, यानी 31,400 में उसको बेच देगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 50% अधिक अंकित किया, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% का छूट दे दिया। 50% अधिक अंकित किया यानी इतना का 150%, और इस पर उसको कितना छूट दिया? 20% का डिस्काउंट कर दिया, 20% को डिस्काउंट कर दिया। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ हुआ ये आपको निकालना है। तो हमको यहाँ पे x नहीं मान करके 100 मान लेते हैं। ओके, अब बिल्कुल इजीली निकल जाएगा।
तो 15 अठे कितना होता है, 15 अठे 120। अब देखिए 100 रुपये के सामान को हम 120 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43। एक दुकानदार एक वस्तु कीमत 640 अंकित करता है, यदि 10% की छूट के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। 640 रुपया अंकित किया, 10% का छूट दिया, 10% को डिस्काउंट दिया, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, ये जो है वो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ से हमको निकाली वैल्यू, इससे ये कट गया, 3 से 3 दिया 9, 3 चौक 12, 4 से 16 चौका 64, 16 दिया 48, तो x बराबर 480। अब क्या पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 480 क्रय मूल्य हो गया इसका। चौवालीस, अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य वो उस पर अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए, 10% इसको लाभ भी चाहिए, 10% इसको लाभ चाहिए, 10% इसको प्रॉफिट चाहिए, सॉरी ऐसे नहीं, तो ये क्या उसका अंकित मूल्य हो गया, ये होगा इसका अंकित मूल्य, इस पे उसको 10% का लाभ चाहिए, तो इसको डिस्काउंट कितना करेगा, इसको डिस्काउंट करेगा के परसेंट का, यानी कि कितना परसेंट का, तो 100 माइनस के कर लेते हैं, 100 माइनस के परसेंट इसको डिस्काउंट करेगा। चलिए ये इक्वेशन समझ में आई क्या, एक्स रुपये का प्राइस है, 50% अधिक अंकित किया, इस पे वो कितना परसेंट डिस्काउंट करे कि उसको 10% का लाभ हो जाए, यहाँ से वो x से x कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगी। अब क्या कटा, ए जीरो से ए जीरो कट गया, अब कोई कटेगा, 5 से 5 दूना 10, 5 3 15, 5 2 10, अब कोई नहीं कटेगा, 300 माइनस 3 के, 300 माइनस 3 के बराबर 220, माइनस 3 के इज इक्वल, तो माइनस 80, तो के बराबर 80/3, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कहता है, राम नरेश एक बैग खरीदता है, राम नरेश जो है वो एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया, उसका अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया है, वह इसे दो क्रमागत छूट के बाद 160 में खरीदता है, 160 में दो क्रमागत छूट के बाद, दो छूट दिया तो पहला छूट आपको निकालना है, इतना का 100 माइनस एक्स ये छूट है, और दूसरा छूट का वैल्यू है 20% यानी कि 80%, और इसको कितना में खरीदा है 160 रुपये में। चलिए इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा इजली, 2 टाइम 0 से 0 कट गया, 4 से 25 वाल, 25 दूना 50, तो 100 माइनस एक्स बराबर 50, तो x बराबर 50, यानी उसको 50% का डिस्काउंट दे दिया। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये 45 था सॉरी, और लास्ट क्वेश्चन भी था। तो फिर आपने यहाँ पे स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आपने अभी तक
परसेंट चैप्टर सीख चुके हैं, लॉस एंड प्रॉफिट सीख चुके हैं और डिस्काउंट चैप्टर भी आपने सीख लिया। अगला चैप्टर होगा पार्टनरशिप का, जो कि चौथा चैप्टर है और काफ़ी मजा आएगा। देखिए मैंने जिस तरह से आपको सिखाया, एक जीरो लेवल स्टूडेंट को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे सब कुछ बताया हूँ ताकि किसी को भी ये बात समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं बताया हूँ, एक एक चीज़ को यहाँ पर दिखाया हूँ और कहीं पे किसी चीज़ को मैंने स्किप किया है तो इसका मतलब ये हुआ उस चीज़ को मैं पहले के क्वेश्चन में सिखाया हूँ। अब देखिए पढ़ाई करने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा कि आप रिवाइज ज़्यादा कीजिए, जैसे आप परसेंटेज बना लिए लॉस एंड प्रॉफिट बना रहे, फिर अगले दिन आप लॉस एंड प्रॉफिट बनाने से पहले परसेंटेज का रिवाइज कीजिए, यानी जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा पीछे का रिवाइज करेंगे, तब आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। और आपके मन में किसी भी तरह कुछ भी सवाल हो तो सवाल पूछना कभी कम मत कीजिए, सवाल बिल्कुल पूछते रहिए ताकि हम आपको बता पाएँ। और एक बात, जो भी लोग नोट्स लिए हैं PDF में, स्मार्ट वीडियो कोचिंग ज्वाइन किया तो आपको नोट्स तो PDF में मिल जाएगी, मिल गई होगी। अगर आपको नोट चाहिए हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी नोट्स जो आपको घर पे पहुंचेगा, होम डिलीवर आपके घर पे पहुंचेगा कुरियर के रूप में, तो वो आप खरीद सकते हैं हमारे वेबसाइट से abhishekcoaching.info से, या फिर आप हमें मैसेज कीजिए, फिर आपने जिस तरह से स्मार्ट वीडियो कोचिंग खरीदा था उस तरह से आपको ये भी मिल जाएगी। और आप बताइए कि हम स्मार्ट वीडियो कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको हम 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दें और ताकि आप इजीली उसको ले पाएँ, खरीद पाएँ। आपको देखिए उसको जो PDF मैं आपको दिया हूँ उसका आपको प्रिंट आउट कराने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा, लेकिन आपको हमारे यहाँ से किताब उसका बना हुआ, बुक आपका बना हुआ आपके घर पर पहुँचेगा, डिलीवर होगा। और स्मार्ट वीडियो कोचिंग के जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो कल सुबह यहाँ से निकलेगी और आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी वो चीज़। उसको हम स्पीड पोस्ट से भेजेंगे या फिर फास्ट कुरियर से भेजेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। स्मार्ट वीडियो कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्यों ये बाहर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्मार्ट वीडियो कोचिंग के स्टूडेंट के लिए है ये चैनल, तो ताकि हमको पता चलता रहे कि कितने स्टूडेंट अभी इस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ भी अगर मन में सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, किसी भी जगह कुछ भी डाउट हो, हम जो आपको पढ़ाई करवा रहे हैं या आपको नौकरी के लिए करवा रहे हैं और आपको किसी भी तरह कुछ भी सवाल हो, कुछ और सीखना हो, तो इसके लिए भी आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना नाम, आपको ये किस तरह से लगा, कैसा लगा, इसमें क्या चीज़ और सुधार होनी चाहिए या फिर आपको क्या चीज़ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको मतलब क्या कि ये भी लिख सकते हैं कि और जो स्टूडेंट इसको देखेगा उसको कि कहाँ पे इसको समझना चाहिए था, मैंने अपने नोट्स से पढ़ाया इसको और ये बिल्कुल सीरियल वाइज आपको यहाँ पे आया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लिखिए ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट को बता पाऊँ कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट इतने सारे पढ़ रहे हैं और इन्होंने ये सब चीज़ लिखा है। तो आई होप कि आप ऐसा कर पाएंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसमें कमेंट अपना ज़रूर लिखिएगा, अपना ओपिनियन कि आपको कैसा लगा, ये वीडियो कोचिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से है, और भी सब्जेक्ट की वीडियो तैयार हो रही है, एडिट हो रही है और आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड भी करा दी जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है कि वीडियो जल्दी जल्दी नहीं मिल रही है, सबकी रिकॉर्डिंग लगभग में हो चुकी है, बस एडिटिंग चल रही है, बस एडिटिंग जैसे कंप्लीट होगी आपको डेली मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच। और इसको आप जब चाहे तब इसको देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए नेटवर्क वाले एरिया में जा करके, फिर आप इसको जब चाहे जहाँ चाहें उस समय देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर कीजिएगा।